Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Share Market Analysis. Guys, आज आप सभी के साथ मैं कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो हर गिरावट में खरीदने का मौका है और वो अपने सेगमेंट में लीडर हैं, मार्केट लीडर हैं और आप उन स्टॉक्स के रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस देख के हैरान रह जाएंगे और आपको इस मार्केट की गिरावट में बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं। कौन से हैं वो स्टॉक्स, ऐसे मैं एक एक करके आप सभी के साथ चीजें शेयर करूंगा स्टॉक्स के नाम और उनके बारे में। गाइस, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मार्केट में जो सेल ऑफ है ये स्टॉक की वीकनेस नहीं है, ये मार्केट की वीकनेस है और मार्केट की वीकनेस ये हमारी इंडियन इक्विटी की मार्केट की वीकनेस नहीं, ये ग्लोबली मार्केट वीकनेस है जिसके चलते हमारे भारतीय बाजार भी गिरते दिख रहे हैं आप सभी को। क्या कारण है गिरने के, शायद वो आप सभी को पता होगा, हमने भी अपनी काफी सारी वीडियोस में डिस्कस कराया, इन्फ्लेशन, रेट हाइक्स जो हो रहे हैं जिसके चलते, एंड लिक्विडिटी बाहर जा रही है मार्केट की जिसके चलते जा नहीं रही है, जाएगी, जिसका डर है मार्केट को। सेकंड थिंग, रशिया यूक्रेन एंड इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबली, हर दिन एक नई खराब खबर, ये सारी चीजें जो मार्केट को परेशान कर रही है। ये मार्केट में मौका है इन्वेस्टमेंट का, तो एक ऐसा बंदा जो यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है या अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या फिर जिनको मार्केट में जो लंबे समय से खेल रहे हैं, जिन्हें पता है ये मौका है बट स्टॉक्स समझ नहीं आ रहे हैं, तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए। एक एक करके मैं स्टॉक्स के नाम लूंगा और आप सभी को भी कहीं ना कहीं पता होगा कि इन स्टॉक्स के बारे में कि हाँ यार, ये तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स हैं और मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए। देखिए, पता सबको है खरीदना है बट कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस खरीदने नहीं देता, लेकिन आज मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाने आया हूं कि ये खरीदने का मौका है। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके शेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले, एंड अगर ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक मैं लेना चाहूंगा आप सभी के साथ जिसका नाम है रिलैक्सो। देखिए, स्लीपर्स फुटवेयर के मामले में ये स्टॉक मार्केट लीडर है और ब्रांड एंबेसडर इसके हर एक ब्रांड के लिए अलग है। आप सभी देखते हो स्पार्क्स, रिलैक्सो, ये सब, सॉरी स्पार्क्स एंड रिलैक्सो, यहां रिलैक्सो की अपनी खुद की एक हवाई जो है, ये सारी चीजें बहामास, ये सबके लिए एक अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर है। फॉर एग्जांपल, बहामास के लिए आप देखोगे सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड स्पार्क्स के अक्षय कुमार जी हैं। तो इस तरीके से आप सभी देख रहे हो कि मतलब बहुत ब्रांड है, स्टॉक का ब्रांड वैल्यू है और ये स्टॉक आपको ऊपर से 40% प्लस करेक्ट मिल रहा है और ये स्टॉक अभी जो गिरावट है, हालांकि अभी तो नेगेटिव ही चल रहा है, ब्रेक डाउन दिख रहा है स्टॉक में, लगभग 900 रुपए तक आ सकता है, 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर 900 रुपए पे आता है तो यहां पे पहला स्टॉक मेरा यही होने वाला है जहां पे खरीदारी करने की सलाह है। 24,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है कंपनी का और आपको अगर थोड़ी सी और कंपनी की डिटेल्स दूं तो ये स्टॉक आपको लंबे समय से बड़ा पैसा बना के देता हुआ आया है कंटिन्यू। अभी गिरावट में मेरे हिसाब से इससे अच्छा खरीदने का मौका नहीं होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा शेयर है, हालांकि नो डाउट और ऐसा ही रहना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 70.78% होल्ड करते हैं, तो बहुत ही शानदार है। तो यहां पे आपको 950 रुपए से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना और हर डे पे खरीदारी करने के मौके होंगे। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, स्टॉक का नाम है मोनोपोली बिजनेस है, स्टॉक का नाम मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो IRCTC। आधा रह गया स्टॉक अपने हाई से, लंबे चार्ट पे आप सभी ने देखा किस हिसाब से भागता है ये शेयर। स्टॉक में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 67.40% है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न इक्विटी 11 की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14 की, लेकिन ये 2021 का है क्योंकि वहां सब कुछ बंद हो गया। आप अगर 2020 में जाएंगे तो 43 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 56 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो ये है मेरे लिए सेकंड स्टॉक जो आप सभी को यहीं से एक्युमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए, गिरावट पे खरीदना चाहिए, बहुत ऊपर जाने की दम रखता है, लगभग 2000 रुपए का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले स्टॉक है, इन्वेस्ट करिए इन स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनाने के लिए। मेरी तरफ से थर्ड पिक है मुथूट फाइनेंस, ऊपर से आधा रह गया स्टॉक, लगभग आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, वैल्यूएशन वाइज बहुत करेक्ट हो चुका है स्टॉक, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 73.37% होल्ड करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी
इक्विटी 28 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15.5 का है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए थर्ड स्टॉक होगा जो कि काफी ज्यादा शानदार और जोरदार है। अब मैं फोर्थ स्टॉक के बारे में बात करूं तो जिसके बारे में आप सभी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं वो है विप्रो। आधा रहने वाला है स्टॉक, ऊपर से लगभग 40% करेक्ट हो गया है। थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर 73% होल्ड करते हैं। अगर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 20 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 21.5 का है। ये मेरे हिसाब से आपके लिए मेरी फोर्थ पिक होगी। आगे बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ और स्टॉक का पांचवा नाम है SCL टेक्नोलॉजीज। अगेन आईटी सेक्टर काफी ज्यादा करेक्ट हो गया, 1028 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक आपको 7% की डिविडेंड यील्ड भी देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 25 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4x पे ट्रेड कर रहा है। मात्र प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में 60.72% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। 19% FII, DII म्यूचुअल फंड 14.5%, रिटेल इन्वेस्टर मात्र 5%। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए नेक्स्ट पिक। अब चलते हैं थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। 709 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स आप सभी देख रहे हैं बहुत ही जोरदार आ रहे हैं और बहुत ही शानदार। ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.76 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 14.5 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FIIs 36% होल्ड करते हैं, DII म्यूचुअल फंड 34%, रिटेल इन्वेस्टर 30%। तो ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए एक मेरी सेकंड लास्ट पिक है। अब जो लास्ट पिक के बारे में बात करने वाला हूं मैं अपनी, वो होगा एक और बैंकिंग स्टॉक ये, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। मर्जर की खबर थी, अब आप सभी समझ गए होंगे, HDFC बैंक। ये स्टॉक आपको मिनिमम 2 साल, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, अगर शॉर्ट टर्म है उससे कम टाइम है तो आप ICICI बैंक के साथ जाइए। ये स्टॉक यहां से 3-4 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मर रहा है क्योंकि RBI की इसकी क्रेडिट कार्ड की रोक, उसके बाद मर्जर का ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक प्रेशर ही रहेगा। और ये स्टॉक आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 16.5 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.96 पे ट्रेड करता है। प्रमोटर्स 21% होल्ड करते हैं। FIIs 30% होल्ड करते हैं। DII म्यूचुअल फंड 13.77% एंड अदर्स 36.22%। तो ये मेरी आपके लिए पोर्टफोलियो बनाने की एक बहुत ही शानदार स्टॉक्स जो आपको बहुत करेक्ट लेवल पे मिल रहे हैं या खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो कुछ स्टॉक्स पे जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।